मध्य प्रदेश में ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रदेश में हुए एक बड़े सियासी घटनाक्रम की वजह से जुलाई महीने में ही दूसरी बार ट्रांसफर प्रोसेस की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद कर्मचारियों को और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल एमपी सरकार में मंत्री नागर सिंह चौहान से वन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय वापस लेकर हाल ही में रामनिवास रावत को दे दिए गए हैं। विभाग छीनने के बाद नागर सिंह चौहान खासे नाराज बताए जा रहे हैं। सोमवार को मंत्री चौहान ने बड़ा खुलासा करते हुए इस्तीफा देने तक की बात कर दी। इसके बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सियासी घटनाक्रम से ट्रांसफर का क्या कनेक्शन है। दरअसल ट्रांसफर को लेकर नीति तैयार हो चुकी है, इस पर फाइनल मोहर सीएम मोहन यादव लगाएंगे। हालांकि नीति फाइनल होने से पहले मंत्रियों के साथ आखिरी दौर की चर्चा होनी है। सूत्रों की माने तो ये चर्चा 22 जुलाई को होनी थी, लेकिन इससे पहले ही विभाग बंटवारे पर मंत्री की नाराजगी सामने आ गई। इससे ट्रांसफर नीति पर फाइनल मोहर नहीं लग पाई और मामला एक बार फिर अटक गया। खबरों की माने तो अब मामला अगस्त तक के लिए टल गया है। कहा जा रहा है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते तक ट्रांसफर नीति पर अंतिम मोहर लगेगी, इसके बाद ट्रांसफर पर लगे बैन हट सकेंगे। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बर्सल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।